बिकिनी शूट में रेडी है, बिकिनी शूट होगा आज, पूल में जाना है क्योंकि इट्स अ पूल डे टुडे। कहाँ है तुम्हारी बिकिनी, दिखाओ चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस यम्मी ब्रेकफास्ट के साथ। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, दिन खूबसूरत है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये आप लोग के लिए है ये वाला व्यू। और सेल्फी मोड पे खुशी का ब्रेकफास्ट देख लीजिए और खुशी को भी देख लीजिए। मैं आ रही थी जब यहाँ पर, तो इन लोगों ने मुझे बोला कि अरे यार हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं जाओगी ब्रेकफास्ट करने। मैंने बोला चलो, तो फीस्ट करते हैं। बेस्ट व्यू है, इनको देखने से इतना सुकून मिलता है मुझे। आई लव बर्ड्स। देखो ये जा रहा था आज अकेला ब्रेकफास्ट करने के लिए, उतने में ही मैं उड़ गई। ठीक है मैं उड़ गई, फिर उसको लगा अरे तुम उड़ गई, अरे ऐसा कैसे हो गया तुम उड़ गई, चलो मैं आज जिम नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला आज जिम नहीं जाते हैं आज, तुम उड़ गई हो ना, नहीं जाते, चलो छोड़ो। मैं फिर व्हाट्स द पॉइंट, आई कैन नॉट सी एनीबॉडी अराउंड, आई कांट सी द गर्ल्स अराउंड। नहीं अगर मैं उस जिम में जाऊंगा तो दूसरी फैमिली अलाउड ही नहीं है, अगर तुमको ना पता हो तो। आई कांट सी, नहीं बेबी, जो कासिया फुकेट का जिम है, जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, वन फैमिली एट अ टाइम ही उसमें अलाउड है। अगर मैं जाऊंगा तो मेरे अलावा और कोई जिम नहीं करेगा, एक रूम नंबर का एक बंदा ही उस जिम में अलाउड है। अरे ऐसे कैसे, फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, जितना हमारा रूम है उतना ही जिम है, इतना बड़ा, इतने सारे तो लोग हैं उधर, इतना ही रूम। हाँ तुमको पहले से, अगर जिम में कोई होता ही नहीं इसलिए मैं पहुंच जाता हूँ, पर अलाउड नहीं है ऐसे। वो छोटा कोई बच्चा आ जाए तो मैं अलाउ कर देता हूँ, पर वैसे एक बंदा जब तक जिम में है दूसरा घुस नहीं सकता। मतलब एक फैमिली, फैमिली में चार लोग भी हो सकते हैं तीन भी, बट एक रूम का एक ही बंदा, पहले से बुक करना पड़ता है तुमको जिम का स्लॉट, अगर खाली है तो तुम यूज कर सकते हो। तो फिर इसने सोचा कि रहने दो यार, तुम साथ चलोगी ना लड़कियां देख सकता हूँ ना और कुछ कर सकता हूँ। लड़कियां देखनी किसको है, लड़की मेरे साथ है, लड़की देखनी होती मैं अकेले आता ना। तो मैं उड़ गई तो जिम नहीं गया भाई। देखो लड़की देखनी होती तो मैं अकेले आता, इसके साथ नहीं आता। पर अकेले तुम कैसे आते, आर यू अलाउड टू कम अलोन? No comments, guys, no comments. You are allowed? Do you have a permission to come alone? No comments. Now you have a permission? Say yes or no. Permission, किसकी permission भाई? अपने को कोई permission नहीं चाहिए किसी की। You can come alone? अच्छा है इसलिए हम जाते नहीं बस। You can come alone? मेरा मन ही नहीं करता alone जाने का, इसलिए मैं नहीं आता हूँ बस। Permission की मेरे को need नहीं है, okay? Oh, his ego is very fragile, guys. You can see that in the video. ठीक है, परमिशन की अगर इसको जरूरत नहीं है तो परमिशन की मेरे को तो कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी हम, मैंने हा? बोला तुमको कौन कह रहा है परमिशन लो, हम तो बोलते ही नहीं भाई, जो करने का करो। हाँ सबसे पहले बन जाएगा, दुनिया के पहले गुब्बारा बन जाएगा बलून। मैं क्यों गुब्बारा बनूंगा भाई, मैं बलून बन जाएगा, बनूंगा ये बनेगी, मैं तो बनूंगी बनूंगी, मैं तो बनूंगी और कुटाई भी कर दूंगी अलग से, कुटाई भी कर दूंगी और अनु चाहे अनु कुटाई तो कर दूंगी। हो हो हो, एक तो एक कोकोनट वाटर और एक ये मेरी बेबी डॉल। दिस प्लेस जस्ट कांट गेट ओवर दिस व्यू, आई जस्ट कैन नॉट गेट ओवर। मतलब बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, लग्जरी प्रॉपर्टीज बहुत सारी, हम लोग कितना कुछ देखते हैं, पर ट्रस्ट मी फैमिली हॉलीडे के लिए इतनी खूबसूरत जगह है, और ट्रस्ट मी ये व्यू जो है ना वो इरिप्लेसेबल है, ट्रस्ट मी, सुपर इरिप्लेसेबल व्यू गाइस। रूम लगता है यार ये जो वाटर, एकदम ऐसा लगता है पानी के ऊपर हो, पानी के ऊपर एग्जैक्टली, बहुत ही सुंदर सामने पहाड़ दिख रहे हैं और एकदम अमेजिंग व्यू, अमेजिंग अमेजिंग व्यू। वैसे तो देखने को तो मालदीव्स वगैरह में भी पानी पानी ही है, पर पता नहीं इसका जो एक फील, इसका अलग फील है, नेचर भी दिख रहा है, अलग प्रॉपर्टीज भी नजर आ रही है, जहाँ लेक एंड हो रही है वहां पर सी भी दिख रहा है, यू नो, और इस बोट में आप बैठ के वहां उस तरह अदर साइड ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, उस जगह को, चलिए नहीं है, बेसिकली इस बोट में बैठ के उस तरफ तुम जा सकते हो जहां पर सी स्टार्ट होता है तुम्हारा। बहुत अमेजिंग है यार ये, आई जस्ट लव दिस प्रॉपर्टी। मतलब ये तो चलो मेरा कोलैबोरेशन था तो वी विजिटेड दिस प्रॉपर्टी, दिस इज द सेकंड टाइम वी केम टू दिस प्रॉपर्टी, एंड दैट्स द ओनली रीजन वी केम टू दिस प्रॉपर्टी सेकंड टाइम, यू नो। अगर ना भी हो ना, आई वुड लव टू कम विद माई फैमिली एवरीवन, बहुत मजेदार जगह है। तो बेबी, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी बेबी डॉल इज रेडी,
जिम से हम आ चुके हैं, प्रोटीन हमने पी लिया है, ये देखो दोनों रेडी हो गए हैं, बेबी अपनी बिगिनी शूट में रेडी है। बिगिनी शूट होगा आज, पूल में जाना है क्योंकि इट्स अ पूल डे टुडे, आज हम कोई शूट नहीं कर रहे हैं। इसके सीने में दर्द उठ गया था आपसे, इतना सीने में दर्द हुआ इसके, लेट गया, कहता तुम्हें बिगिनी में नहीं देख पाऊंगा। ओए होए होए, फिर कैसे देखूंगा ऐसे बेबी, यही तो बिगिनी है, दिस इज इंडियन बिगिनी। मेरे कोई सीने में दर्द क्यों होगा, मैं तो कह रहा हूँ पहनो, चलो डॉक्टर। यार इतना झूठ बोलती है ना लड़की, मैंने थोड़ी कुछ बोला है, और कहाँ है तुम्हारी बिकिनी दिखाओ चलो। इतनी हरामी और इतनी झूठी लड़की है ना ये। चल यार बहुत हो गया मजाक, नाउ लेट्स गो, सच में अब चलते हैं, बहुत देर हो गई मजाक करते हुए हमें, हम लेट हो रहे हैं, हमारी सनलाइट चली जाएगी, मेरे को थोड़ा थोड़ा टैन होना, आई डोंट वॉन्ट टू बी ब्लैक, जेड ब्लैक, इसलिए मैं पहले नहीं गया पूल के अंदर, बट थोड़ा थोड़ा तो हम भी टैन होंगे ना अंग्रेजों की तरह, थोड़ा थोड़ा हम भी फीलिंग लेंगे। मैं सब मजाक कर रहा हूँ, टैन टून हमें नहीं होना भाई, हम बिल्कुल जेड ब्लैक दिखते हैं जरा भी टैन हो जाए तो, इसलिए फुल स्लीव की मैं तो सोच रहा हूँ फुल स्लीव के कोई टाइट्स पहन लूँ ताकि बिल्कुल भी टैनिंग ना हो। और मैंने सोचा मैं यही पहन लेती हूँ, इंडिया को अटैक भी आ सकता है, मेरे व्यूअर्स को अटैक आ सकता है और बहुत सारे व्यूअर्स। चलो बस बहुत हो गई बकचोदी तुम्हारी, लेट्स गो लेट्स गो। मुझे आइडलाइज करते हैं वो बेहोश भी हो सकते हैं, उनको लगेगा दिल टूट जाएगा उनका यार। अरे चलो बकचोदी करो खत्म, मैं एक आदर्शवादी लड़की हूँ, मुझे लगा मैं अपने फैंस को नाराज नहीं करूंगी, तुम्हारे पापा मम्मी ब्लॉक मारे तुम्हें, चलो ठीक है। सो मैं रेडी हूँ अपना बिकनी पहन के, सचिन मानने ने जो अपनी बिकनी पहन ली है वो भी बढ़िया लग रही है। और अब जा रही हूँ मैं अपना स्विमिंग पूल में, आज आज है पूल डे, बिगिनी, इट्स बिगिनी, बिगिनी, इट्स बिगिनी, वो क्या था उसका गाना, क्या था, बिगिनी शूट, अब बिगिनी शूट, अब बिगिनी, बिगिनी शूट। ओहो हो यार ये कितना अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग तो तुम भी हो, बेबी को क्या चाहिए, बेबी को सब कुछ चाहिए, सब कुछ चिप्स चाहिए बेबी को, हाँ ये पानी कैसा है, जहाँ कूद के देखो बहुत मजा आएगा, कूद के दिखाऊं, जाओ एक बार देखो, बहुत कम गहरा नहीं बिल्कुल भी, गहरा नहीं बिल्कुल भी, ये देख यहाँ से गहरा नहीं, यहाँ यहाँ आ जा तू, यहाँ गिर जा, मैं पूल में करके दिखाऊंगा वो सब, यहाँ नहीं वाला स्विम भी करता है, ऐसा वाला, ऐसा वाला। इसमें तो कुछ सांप सूप भी नहीं है, घुस जा तू, लेक ही तो है, मजा आ जाएगा। Five years later, this happens. You know, पहले वो बोलते थे बेबी यहाँ मत खड़ी रहो, इस जगह पे गिर सकती हो, नहीं नहीं तुम खड़ी रहो, तो कुछ भी हो जाए वो मुझे यहाँ पे नहीं खड़ा रहने देगा, जिस जगह पे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना वहाँ पे मुझे खड़ा नहीं रहने देता था, और अब वो मुझे बोल रहे हैं थोड़ा और आगे जाके देखो, थोड़ा और आगे वहाँ कूद के भी देखो ना, और एक बार तुम्हारा ध्यान भटके बस मैं तुम्हें फिक के भी देखता हूँ। गाइस बोट आ गई है और मैं यहाँ से निकल के जा रही हूँ बोट पे बैठ के बीच पे चल रहे हैं, बीच साइड पे। ओप्स और सचिन मान बैठ चुके हैं यहाँ पे, मैं अदर साइड ऑफ द शोर पहुंच गई हूँ, जो मैं आपको वीडियो में दिखाती थी, जो यहाँ से दिखता था, यू रिमेम्बर, यहाँ से दिखता था, अब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सबको जाना है सी साइड। ये देखो ये है ये जगह,
जहाँ पर मैं बोल रही थी आप लोग को जाने के लिए, इस प्रॉपर्टी के ही सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और वो रहा मेरा प्रॉपर्टी जहाँ से मैं वीडियो बनाती हूँ। ये देखो, वहाँ से मैं वीडियो बनाती हूँ, वो है मेरा प्रॉपर्टी जहाँ से मैंने आपको सारे व्यू भी दिखाए थे। और ये है ये बोट, जो कि बहुत स्मॉल राइड है, ऐसे देखने में बहुत ऐसे रोमांचक लगता है, और एक्चुअली इसकी राइड करने में भी बहुत मज़ा आता है। हेलो बाबू, गिर मत जाना। सी दिस मेसमराइजिंग प्लेस, ओह माय गॉड, आई जस्ट लव फुकेट। मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है फुकेट में ना। यहाँ पर देखो, और आंटी चिल कर रही है, स्मोक कर रही है। ये देखो, ये कासिया फुकेट का प्राइवेट बीच है ये। और बुबू चलो बेबी, आ जाओ बीच पे, चलते हैं अंदर पानी में थोड़ा फन करके आते हैं। यस, पर फिर भी हमने बस जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए गई थी, तो मुझे लगा चल एक बार ये क्विक राइड करके वहाँ से आ जाते हैं, तो थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा बीच भी देख लूंगी। पर सन बहुत तेज है अभी, हम यहाँ बीच पे तो नहीं रह सकते, मतलब हाश है हमारे लिए, बहुत हाश है, हो जाऊंगी पूरी जेड ब्लैक अदरवाइज। यस, जाती हूँ यहाँ से वापस पूल एरिया में चलते हैं और पूल में करते हैं फन, थोड़ा बचा लेती हूं अपने गोरे रंग की, थोड़ी रक्षा कर लेती हूं। बैठ गए हैं हम तो बोट में, अभी जा रहे हैं वापस अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, जाएंगे वहां पर पूल में। हो रहा है यहाँ पर वीडियो शूट, और ये है प्राइवेट बोट जो इन्होंने हमारे लिए अरेंज करी, क्योंकि जाते वक्त हम लोग सबके साथ में गए हुए थे, फिर उन्होंने हमें कॉल किया और बोला कि अच्छा आप सबके साथ में, तो आपके लिए प्राइवेट भेज देते हैं, तो फिर इन्होंने प्राइवेट भेज दी हमारे लिए। वैसे मेरा प्लान नहीं था आज वहाँ पर जाने का, लेकिन फिर भी मैं चली गई बिकॉज मुझे बोट राइड करनी थी। फिर सच्चू को मैंने बोला कि चलना हम वहाँ तक जाके आते हैं, और मुझे बीच साइड देख के आना था बिकॉज 3 दिन हो गए मुझे ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी में, और फिर भी मैं मतलब वहाँ नहीं गई थी, जो कि एक्चुअली इस प्रॉपर्टी की ब्यूटी है। पर मैं जो ये लॉफ्ट वाटर का जो व्यू है फ्रॉम माय रूम एंड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, उतने में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता यार सीरियसली। और जब मिलता है तो मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में रहती हूँ, मैं थोड़ा हफरा तफरी में नहीं रहती हूँ कि मैं सारा कुछ देख लूँ और सारा कुछ कवर कर लूँ, सारा कुछ जान लूँ। मुझे लगता है जहाँ हूँ वहाँ का ही मज़े लेते हैं, सो उसी चक्कर में ना मैं वहाँ पर जाती नहीं हूँ, पर अब जाके आ गई मैं वहाँ पर, बहुत मज़ा आया। ओहो, ये है व्यू, तो मेरा व्यू दे, चल मेरा व्यू दे, फिर चल मेरे वीडियो के, मेरे इसके लिए, और दोनों का भी दे। इन्फिनिटी पूल का मजा लिया जा रहा है बेबी डॉल। ओए होए होए, ये जोरदार, रुक तेरी फोटोज ले लेता हूँ।
गए हैं हम और रेडी होके सवारी निकल चुकी है अब अपना मी टाइम बिताने के लिए। आज वैसे हमने शूट नहीं किया है, आज वी हैव बीन ओनली रिकॉर्डिंग फॉर द यूट्यूब एंड आज हम पूल में चले गए थे और आज हमने पूरा दिन फन किया, कोई क्रिएशन कुछ नहीं किया, आज हमने पूरा दिन बस मजे किए हैं बिकॉज बनता है इतना तो है ना, बिकॉज दो दिन से वी हैड टू मच ऑफ लोड ऑफ रिकॉर्डिंग, टू मच लोड ऑफ रील्स प्रेशर एंड ऑल ऑफ दैट वॉज देयर एंड देयर वर सो मेनी अदर पेंडिंग वर्क, देयर वर प्रॉपर्टी कवरेज एंड ऑल ऑफ दैट, सो कमिटमेंट सारे पूरे करने थे एंड हम जब फ्री होते हैं तो चलो लेट्स गो, खाना खा के आते हैं, भूख लग रही है, इंडियन फूड खाएंगे आज। चलो ठीक है फिर। पहुंच गई हूँ मैं पिज्जा हट में, ऑर्डर प्लेस कर दिया है मैंने, यहाँ का पिज्जा हट कुछ इस तरीके से दिखता है, बस वेट कर रही हूँ अब खाने की। टुडेस फूड, आज हम इंडियन नहीं खाएंगे, इंडियन शायद रात में खुशी हमारे लिए बनाएगी अगर हमें भूख लगेगी तो। हाँ? क्या बोल रहे हो, ये कौन बनाएगा फिर, मैं तो नहीं बना सकता। तुमने बोला था तो भी मैगी बना के खिलाएगा। मैगी बनाऊंगा पर इंडियन तुम बनाओगी, मैगी इंडियन का है वो जो एमटीआर वगैरह है। अच्छा वो क्या है, वो तो मैं बना दूंगी। चलो हाँ, एमटीआर वगैरह ये बनाएगी, मैगी मैं बना दूंगा रात में अगर भूख लगेगी, अगर हम ये खा के सो गए तो। पिज्जा हट लुक्स वेरी वेरी गुड लेकिन मुझे इनका पिज्जा समझ में नहीं आया, सच्चू बोलने लग गया कि तुझे गलत ही लिया है, यहाँ नहीं लाना चाहिए था तो मे बी विल ईट समथिंग एल्स, मैंने छोड़ दिया अपना पिज्जा अपने टेबल पे ही। ये देखो वो मेरा क्लियरेंस ही कर रही है। तो गाइस मेरी बेबी डॉल बहुत ही ज्यादा थक गई है और अब सोने वाली है, सो आज का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे, सी यू गाइस टुमारो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे, अपना प्यार बनाए रखो, लव यू ऑल, टेक केयर।